जनपद संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अज्ञात महिलाओं द्वारा कसेरेट बाजार चंदौसी में महिला के बैग से सोने का पेंडल चोरी कर लेने के संबंध में थाना चंदौसी पर साधना पुत्री विजयपाल सिंह निवासी ग्राम फरीदपुर खास थाना बनियाठेठ जनपद संभल की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा द्वारा टीम गठित की गई थी। पुलिस अधीक्षक जनपद संभल चक्रेश मिश्रा और अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जयसवाल के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी चंदौसी आलोक सिद्धू के कुशल नेतृत्व में जनपद संभल में कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए गए अभियान के तहत थाना चंदौसी प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार ने पुलिस बल के साथ मुखबिर की सूचना पर लुटेरी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से एक पेंडल, पीली धातु, काले पीले मोतियों की माला सहित और शुभ ज्वेलर्स के नाम का छपा हुआ पर्स बरामद किया है। गिरफ्तार हुई महिलाओं से जब पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो दोनों महिलाओं ने बताया कि आज से करीब 2 दिन पहले हम दोनों बाजार में आई थी, तभी हमें एक सुनार की दुकान पर एक लड़की एक पेंडल सोने का खरीद कर अपने बैग में रखती हुई दिखाई दी। तभी हम दोनों ने बड़ा बाजार में भीड़ भाड़ वाली जगह में पहुँच कर उसका पीछा कर उसके बैग से एक पेंडल सोने का में माला लाल रंग के पर्स में रखा हुआ चुरा लिया था। हम दोनों उस पेंडल को बेचने बाजार आई थी और दोनों पकड़ी गईं। गलती हो गई। जाओ।